हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति तोशनीवाल एंड वेलकम टू माय। तो आज के वीडियो में देखेंगे कि इस तरह की तोरण आप घर पर कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तोरण के बेस के लिए ये गोल्डन कलर की लेस मैंने ली है। 36 इंचेस जो है इसकी लंबाई ली है और 2 इंचेस की ये लेस है चौड़ाई में। पीछे फ्यूजिंग लगाया है और दोनों साइड ऊपर नीचे स्टिच कर दिया है सो देट ये धोने पर निकले ना। और तोरण को हैंग करने के लिए इसी लेस का हमने लूप बना दिया है। आप चाहे तो हुक लगा सकते हैं। इसे जो है हम एक बार साइड रखेंगे। उसके बाद ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं हमारे पास। इस तरह के फ्लावर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। सिंगल सिंगल परत के ये फ्लावर हैं, एक ही परत है इनमें। अगर आपके पास इस तरह के फ्लावर ना हो तो जिस कपड़े के धागे ना निकलते हो उसके भी आप इस तरह की कटिंग कर सकते हैं। ये जो है फ्लावर के पीछे का हमने निकाल के रख दिया है। आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि आप इन्हें कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। फेंकना नहीं है इन्हें, रखिए। और इसी तरह से जो सारे फ्लावर्स हैं उनको हम इस तरह से अलग कर लेंगे। ये ऑफ वाइट कलर के और रेड कलर के फ्लावर्स जो है मैंने ऑलरेडी अलग करके रखे हैं। दो कलर के फ्लावर्स हमें लेने हैं। तोरण का जो बेस है उसे हम फिर से लेंगे और ये जो फ्लावर हमने अलग किए हैं उन्हें इस तरह से हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर जो है डबल फोल्ड करने के बाद जब दोबारा हम इसे फोल्ड करेंगे तो ग्लू लगाकर इसे पैक कर लेना है और यहाँ ऊपर में थोड़ा ग्लू लगाकर चिपकाना है। ऊपर में एकदम किनारे किनारे पर हमें इन्हें लगाना है। इसी तरह से नीचे में जो है ऑफ वाइट कलर के फ्लावर्स हमें लगाने हैं और 75% बेल्ट में हमें इन्हें लगाना है। तो ये जो है बेस में हमने 25% स्पेस जो है वो खाली रखा है और बाकी 75% स्पेस में हमने ऊपर और नीचे ये दो कलर के फ्लावर्स लगा लिए हैं। उसके बाद ये जो स्पेस है यहाँ पर गोटापत्ति के ये बड़े फ्लावर्स हैं हमारे पास। आप इन्हें घर पर भी बना सकते हैं लेस से, बहुत इजी है, या फिर मार्केट में भी आई थिंक मिल जाएंगे आपको। इन्हें जो है बाकी हमने जो 25% स्पेस छोड़ा है बेस में वहाँ पर चिपकाना है। और ये फोम के ऑफ वाइट कलर के और रेड कलर के फ्लावर्स हैं हमारे पास। इन्हें जो है इनके सेंटर में हम लगा देंगे। जो ऊपर नीचे हमने फ्लावर्स के पेटल्स लगाए हैं उन्हीं के मैचिंग के ये फ्लावर्स हैं। और बीच में जो जगह खाली है वहाँ पर हम छोटे गोटापति के फ्लावर्स लगा रहे हैं और उसी तरह से ग्लू लगाकर इन्हें चिपकाना है। और जिस तरह से हमने बड़े गोटापति के फ्लावर्स में रेड और ऑफ वाइट कलर के फ्लावर्स लगाए उसी तरह से सेंटर में इन्हें लगाना है और पूरे बेल्ट में इसी तरह से लगाना है। तो ये जो है बेस हमारा रेडी है। इस तरह से पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा। इसे हम एक बार साइड रखेंगे। लटकन के लिए हमें क्या करना है, ये प्लास्टिक की बॉल है और गोल्डन कलर की डोरी है, इसे जो है हमें इस पे लपेटना है। अगर आपको इस तरह की प्लास्टिक की बॉल क्राफ्ट के वर्क के लिए ना मिले तो बच्चों के खेलने की जो प्लास्टिक की बॉल आती है हर साइज में आती है, आप वो ले सकते हैं और उसके दोनों साइड आप होल्स बना सकते हैं और इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्लू लगाकर ये डोरी को हमें इसके लगाना है। इस तरह की जो है 5 बॉल्स हमें बनानी है। ये जो बॉल्स हमने बनाई है इस तरह से लगाई है हमने, व्हाइट के नीचे रेड और रेड के नीचे व्हाइट फ्लावर्स लगाए हैं। कैसे इन्हें अटैच करना है चलिए देखते हैं। ये तोरण को हम इस तरह से रखेंगे, बैक साइड है ये इसका।
फ्लावर के सेंटर से हमने लटकन लगाए हैं, यहाँ ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है जहाँ हमें लटकन लगाना है। देखते हैं कैसे लगाते हैं। थ्रेड और नीडल हमें लेना है, एक वाइट कलर का पर्ल या गोल्डन कलर का जो आपके पास हो उसे लेकर हमें थ्रेड के एंड में इस तरह से नोट लगाकर पर्ल को जो है हमें अटकाना है इसमें थ्रेड में। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसे कट कर देंगे। उसके बाद ये फ्लावर है रेड कलर का, इसमें ज़्यादा पेटल्स हैं। सेंटर में जो है इसके होल है, तो यहाँ से हमें जो है अपना पर्ल है इसे पास करवाना है। ये इसे अटका देगा अच्छे से। उसके बाद जो ये हमने गोल्डन कलर का बॉल रेडी की है इसे लेना है। फोम का रेड कलर का फ्लावर लेना है। इजीली इसमें निडल इंसर्ट हो जाता है। और ये जो पर्ल्स है, तीन दो और तीन पर्ल, या जैसे आप डालना चाहें वैसे डालकर और सिंपली बस इसके साथ इस तरह से अटैच करना है। बहुत खींच के नहीं लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि जो पर्ल्स हैं उनके बीच में गैप भी ना रहे, इतना लूज भी थ्रेड ना छोड़े। अच्छे से नोट लगाकर हम इसे सिक्योर कर लेंगे। तीन चार नोट यहाँ पर हम लगा देंगे। और जहाँ जहाँ पर हमने नोट लगाए हैं वहाँ वहाँ पर ग्लू से हम नोट को सिक्योर कर लेंगे ताकि ये खुले ना। इस तरह से हल्का हल्का ग्लू लगाकर सिक्योर कर लेंगे इसे। और यहाँ पर जो बाकी का हिस्सा है जैसे चाहे लटकन लगा सकते हैं। यू शेप में मैं लगा रही हूँ, तो ये जो है यू शेप में मैंने लटकन लगाया है। दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड करके दो लटकन लगाए हैं। और उसके बाद इन दोनों का जो है सेंटर हमने निकाल लिया। और यहाँ से है जो है हम एक लटकन और लगा देंगे। मोतियों की एक लाइन जो है वो और लगा देंगे। तो उसके लिए इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले नोट लगा लेना है। मोती जो है यहाँ पर मैंने 60 पर्ल्स यूज किए हैं। आपको जितना इसकी हाइट रखना हो, जितना नीचे तक लटकाना हो, उतने आप पर्ल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर आधी दूर में मैंने 29 पर्ल्स लिए हैं। दो गोल्डन पर्ल्स मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और अगेन दूसरी साइड भी 29 पर्ल्स लेकर, और यहाँ जो मार्क किया हुआ है वहाँ पर इस तरह से इसे अटैच कर देना है। नोट लगाकर सिक्योर कर लेना है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देना है। इसी तरह से हमें इन्हें लटकाना है। यहाँ भी हम ग्लू लगाकर जहाँ जहाँ नोट लगाया है वहाँ वहाँ सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पर हमने बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ मोतियों को लटका दिया। आप जैसे चाहें वैसे इसे कर सकते हैं। हेवी लुक आ जाएगा इसका। तो कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी हमारी तोरण। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।